अगर आप भी क्लाउड या डेव्स डोमेन में जाना चाहते हो आपको कूबरटेज सीखना है तो उसके साथ साथ आपको सी के सर्टिफिकेशन करना भी बहुत जरूरी है आज के टाइम में अगर आप भी सी के से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस देख के परेशान हो गए नर्वस हो गए हो एग्जाम के लिए क्या मुझे प्रिपरेशन करनी चाहिए कौन से टॉपिक्स और क्या एग्जाम टिप्स हो गए क्योंकि रिसेंटली अभी मैंने सी का एग्जाम दिया है उसको मैंने सक्सेसफुली क्लियर किया है तो मेरे जो भी लर्निंग्स है थ्रू आउट द जो भी मैंने कोर्स परचेज किया एग्जाम टिप्स और वो सारी मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना एंड में आपको रियल एग्जाम के क्वेश्चन शेयर करने वाला हूं तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना जो सीके का एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं इस चैनल पर रिलेटेड बनाता रहता हूं वीडियो अच्छा लगे तो लाइक like करना अगर चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो सीधा चलते हैं मेरी स्क्रीन पे अब मैं दिखाता हूँ क्या प्रोसेस होने वाला है तो मैं आ गया हूँ मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पे सबसे पहले सर्टिफाइड कोबोनेटिव एडमिनिस्ट्रेटर का भी जो एग्जाम फीस है थ्री नाइनटी फाइव डॉलर है जो कि मोस्ट ऑफ़ द टाइम इसमें ऑफर्स चलते रहते हैं तो आपको ये थर्टी परसेंट फोर्टी परसेंट ऑफ पे मिल जाएगा ये जो एग्ज़ाम है ऑनलाइन होता है और इसमें एग्ज़ाम की ड्यूशन जो टू आर्स की होती है और ये इसका जो सर्टिफिकेशन है वो थ्री इयर्स के लिए वैलि वैलिडिटी रहती है इसकी जब आप इसको परचेज़ करते हो वहाँ से लेकर ट्वेल्व मंथ्स के लिए वैलिड रहेगा आपके लिए और इसमें आपको एक रीटेक भी मिलता है अगर इन केस आप फर्स्ट अटैम्प्ट में फेल हो जाते हो तो दूसरे अटैम्प्ट में आप इसे क्लियर कर सकते हो और यहाँ पे स्पेसिफिक वर्जन जो भी कोबोनेटिस के वर्जन पे एग्जाम होगा वो वर्जन यहाँ पे डिफाइन है अभी जो वर्जन जिस पे मैंने एग्जाम दिया है वर्जन 1.28 है और इसमें वेटेज के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं कि कौन से पर्टिकुलर चीज़ पे कितना वेटेज है इनका तो स्टोरेज सेक्शन आप देख पा रहे हो स्टोरेज पे 10 परसेंट है तो स्टोरेज से रिलेटेड जो भी सिनारीज होते हैं लाइक स्टोरेज क्लास परसिस्टेंट वॉल्यूम उन पर थोड़ा फोकस है ट्रवल शूटिंग पे 30 परसेंट है वर्कलोड्स एंड शेड्यूलिंग पे 15 परसेंट है क्लस्टर आर्किटेक्चर इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फिगेशन पे ट्वेंटी है और सर्विसेज एंड नेटवर्किंग में ट्वेंटी है ये अगर आप देखना चाहते हो तो इसको भी एक बार गो थ्रू कर लेना उसके बाद मैं बताता हूँ कि मैंने कौन सा कोर्स रेफर किया यू डी पे मोमशाद मनब्बत का सर्टिफाइड कोडिनेटिव एडमिनिस्ट्रेटर का कोर्स अवेलेबल है मैं स्क्रीन पे भी डाल देता हूँ और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूँगा उसमें आपको लैब्स भी मिलेगी तो जैसे आप कोई वीडियोज़ देखते हो तो उसकी लैब कंपलसरी जरूर करना क्योंकि ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है तो थ्योरीज से आपका यहाँ पे कुछ बेनिफिट नहीं होगा स आप प्रैक्टिकल उसको लैब में करोगे जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेनिफिट होगा अब बात कर लेते हैं कुछ एग्जाम टिप्स की जिसने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करी इस एग्जाम में तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ वन बाय वन एग्जाम टिप नंबर वन यूज इम्पेरेटिव कमांड इंस्टेड ऑफ़ यम एल फाइल जब भी आप एग्जाम के लिए जाओगे तो आप प्रिपेयर करो कि ज्यादा से ज्यादा इम्पेरेटिव कमांड यूज करो इवन अगर आपको है कि कोई चीज आपको अचीव करनी है यम फाइल के थ्रू फिर भी आप हाइफन एन एफ एन ड्राई रन टू क्लाइंट करके उसका एक डंप तैयार कर सकते हो एम फाइल और वहां से आप एडिट करके चेंज क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द टाइम लोग अगर एम के साथ जाओगे तो आपके मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो कोई भी कमांड अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो आप सीधा हाइफ़न हाइफ़न हेल्प से उस कमांड के आपको सैम्पल्स से भी मिल जाएंगे तो आपके लिए बहुत ईजी होगा उसको यूज़ करना और ये फास्ट भी है थोड़ा टिप नंबर टू कॉपी पेस्ट बहुत एग्जाम्स में ऐसी मिस्टेक्स होती है कि लोग जो भी वहाँ पर इंफॉर्मेशन या पॉड नेम या डिप्लॉयमेंट नेम जो भी वहाँ दे रखा है उसको मैनुअली टाइप करने का ट्राई करते हैं और वहाँ पे टाइप होता है तो आपका आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा तो आपको हमेशा ध्यान रखना वहाँ पे कॉपी पेस्ट का ऑप्शन रहता है सिर्फ कॉपी करके ही पेस्ट करना मैन्युअली टाइप मत करना अगर इन केस कुछ प्रॉब्लम है तो ही मैन्युअली टाइप करना नहीं तो हमेशा प्रेफर करना कि कॉपी पेस्ट ही करो टिप नंबर थ्री टाइम मैनेजमेंट आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये टू आवर्स का एग्ज़ाम है आपको सेवनटीन क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं पूरे एग्जाम ड्यूरेशन में तो आपको टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखना है अगर लेट सपोज आपका पहला क्वेश्चन आता है आपको लगता है कि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाने वाला है पाँच मिनट से ज़्यादा तो आप उसको स्किप करके जो क्वेश्चन आपके पहले फटाफट हो पा रहे हैं वो सारे अटैम्प्ट करो तो मेरे सिनारियों में भी ऐसा ही हुआ था मेरे पास जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन मेरे पास आए थे मुझे लगा कि एक दो मिनट स्पेंड करने के बाद उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम जाएगा तो मैंने उसे स्किप किया और मैं चला गया आगे फर्दर क्वेश्चंस पे मैंने आगे जब सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए उसके बाद फिर से मैंने अटैम्प्ट किया फर्स्ट और सेकंड को इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा आपको और टिप नंबर फोर जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना प्रैक्टिस करो सिर्फ थ्योरीज के बेसिस पे मत जाओ जो यूडेम्यू पे मैंने कोर्स बताया आपको उसमें उसके साथ साथ कोड क्लाउड की लैब्स भी आती है तो कोड क्लाउड की लैब्स में जो भी पर्टिकुलर डोमेन में आप जैसे ट्रबल शूटिंग वाला वीडियोज़ देख रहे हो तो ट्रबल शूटिंग की लैब्स भी मिलेगी आपको तो उस लैब्स को भी कम्प्लीट करना है उसको बार बार रिपीट कर सकते हो अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है जब आपकी सारी प्रिपरेशन हो जाए तो आप जब एग्जाम परचेज करते हो तो उसी के साथ आपको क्लियर डॉट एस एच का एक्सेस मिलता है उस एक्सेस के थ्रू आप एग्जाम सिम्युलेटर को लॉन्च करके वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो ये जो क्लियर डॉट एस एच में आपको एग्जाम मिलेगा वो आपके एक्चुअल एग्जाम से बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है अगर आप इसमें अच्छे से 50, 60 परसेंट भी या 45 फाइव या फिफ्टी परसेंट तक भी अचीव कर पा रहे हो तो आप इजीली मेन एग्जाम को क्रैक कर सकते हो तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ कैसा डैशबोर्ड होने वाला हो है ये इसका डैशबोर्ड अगर आप देखोगे तो मैंने एक सिम्युलेटर कंप्लीट किया है जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मैंने यहाँ से एक्टिवेट किया था ये 36 सिक्स आवर्स के लिए एक्टिव रहता है यहाँ पे तो मैंने दूसरा वाला एक्टिवेट नहीं किया था तो पहले वाले में मेरा काम हो गया था जो भी मेरे को प्रैक्टिस करनी थी वो सारी चीज़ यहाँ से मैंने कम्प्लीट कर ली थी अब जब आपको यहाँ पे जो भी नंबर आते हैं उसके बाद आप इसके सॉल्यूशन भी देख सकते हो सॉल्यूशन के थ्रू आप आपको वापस प्रैक्टिस करनी है या आपको देखना है कहाँ आपने मिस्टेक करी वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी अब सीधा आपको मैं बता देता हूँ एक्चुअल एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं और इससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी तो मेरी स्क्रीन पर आता हूँ मैं दिखाता हूँ जैसे क्वेश्चन नंबर वन है कि एक गिव इन एक्जिस्टिंग कोबर्नेटिस क्लस्टर जो कि इस पर पर्टिकुलर वर्जन पे है इसको आपको अपग्रेड करना है एंड नोड कंपोनेंट्स को भी uh, इसको सिर्फ मास्टर नोड को ही पर्टिकुलर वर्जन पे लेके जाना और उसके जो वर्कर नोड्स है उसको अपग्रेड नहीं करना इसमें बस आपको ध्यान रखना है कि आपको जो मास्टर नोड है उसको सबसे पहले ड्रेन करना है और जब अपग्रेड हो जाए उसके बाद अनकॉर्डन करना है तो इसका सॉल्यूशन भी आप देख सकते हो यहाँ पे दे रखा है पूरा आ, क्यूब कटल ड्रेन मास्टर नोड है देन एन एफ निग्रोड इग्नोर एट डेमन सेट और फिर उसके बाद उसने अपग्रेड पर्टिकुलर नोड में आपको लॉग इन करके देन उसको आपको इंस्टॉल करना है देन आपको उसके क्यूब क्यूबलेट क्यूब कटल क्यूब वो सारे इंस्टॉल करने के बाद फिर से आपको जब अपग्रेड हो जाए तो उसको फिर से आपको अनकॉर्डन करके छोड़ देना है तो ये आपका पहला क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ एक नोड है सेट द नोड नेम दिस एज अनअवेलेबल शेड्यूल ऑल द पॉड्स रनिंग ऑन इट तो इसमें सिंपल ये है कि आपको उसको ड्रेन करना है और फिर आपको उसको देखना है कि अनशेड्यूल हो जाएगा क्योंकि ड्रेन जैसे करोगे सारे नोट्स दूसरे नोट्स पे मूव हो जाएंगे सारे पॉड्स दूसरे नोट पे मूव हो जाएंगे उसके बाद आप इसको दिखा सकते हो और इस, ऐसे सीनारी भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा गिटअप का लिंक है मेरे पास क्या कौन कौन से सीनारियों आते अगर इन चीज़ों की प्रैक्टिस आप कर लेते हो तो आपका एग्जाम ईजिली क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थ्री इसमें आपको जो आपका ई है उसका बैकअप लेना है तो क्रिएट अ स्नैपशॉट ऑफ एक्जिटिंग इंस्टेंस रनिंग ऑन दिस सेविंग एट दिस एंड देन रीस्टोर एन एग्जिस्टिंग प्रीवियस स्नैपशॉट लोकेटेड एट थीयर तो etcdl टी इक्वल्स टू थ्री एंड ई एंड देन आपको एंड पॉइंट्स के इसके आपको पूरी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन के साथ ही मिल जाएगी कि सीएसर्ट सर्ट शर्ट और की क्या यूज़ करनी है और स्नैपशॉट सेव कमांड के साथ उसको आपको पाथ देना है तो यही है इसका इजी देन इसको रिस्टोर करना रिस्टोर का भी प्रोसेस यही है पहले ई को स्टॉप करो रीस्टोर करो एंड इसको रिस्टार्ट कर दो आपको स्केल करना है फोर्थ क्वेश्चन स्केल द डिप्लॉयमेंट प्रजेंटेशन टू थ्री पॉड अब इसमें पहले से जितने भी पॉड होंगे उससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो जस्ट लेट सपोज इसमें अभी जो आप देख पा रहे हो एग्जाम सिनेरियो के क्वेश्चन में दो पॉड्स अवेलेबल हैं तो इसको आपको स्केल करके थ्री तक लेके जाना है तो सिंपली क्यूब कटल स्केल डिप्लॉयमेंट प्रजेंटेशन हाइफन रेप्लिका इक्वल्स टू तो थ्री ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया उसको वेरीफाई भी कर लेना आपको वापस से क्यूब कटल के डिप्लॉयमेंट्स में जाके चेक कर लेना फिफ्थ क्वेश्चन में आपको एक पॉड शेड्यूल करना है स्पेसिफिक नेम के साथ इमेज के साथ इंजीनिक्स के साथ और नोट सेलेक्टर होना चाहिए डिस्क इक्वल्स टू तो एस आपको तो उसका भी मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ ये आप इम्पेरेटिव कमांड से एक फाइल जनरेट कर सकते हो फाइल जनरेट करने के बाद आप इसके अंदर सिर्फ नोट सेलेक्टर एस एस डी एड करना है बस आपको बाकी सारी चीज़ें आपकी इंपेरेटिव कमांड से हो जाएगी फाइल जनरेट करो डॉट ई में एंड इसके बाद ये ऐड करके फिनिश डेस्क अब आपको क्वेश्चन नंबर सिक्स में चेक टू सी हाउ मेनी नोट्स आर रेडी नॉट इंक्लूडिंग द नोट टेंटेड नो शेड्यूल एंड राइट द नंबर टू दिस सिंपली आपको देखना है कि गेट नोट्स यहाँ पे देखा आपने और इसमें आप टेंस वगैरह भी फाइंड कर सकते हो ग्रैप करके नोट के और इसको जितने भी नंबर है उसका जैसे मान लो दो आ रहे हैं तीन पॉड नोड होंगे ये चार नोड होंगे उसको नंबर को मैनुअली ऐसे इको टू टू दिस पर्टिकुलर फाइल दैट्स इट यही आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर सेवन आपको एक पॉड शेड्यूल करना है विथ नेम दिस एंड इसमें दो कंटेनर्स होंगे इंजीनिक्स एंड कंसोल करके इसका भी सॉल्यूशन आपको यहाँ मिल जाएगा पॉड बनाना है ये लेबल हो गया देन ये कंटेनर uh, वाला सेक्शन है इंजीनिक सेंजिनिक कंसूल कंसूल तो पहले आप ए, एक इंपेरेटिव कमांड के थ्रू इसको जनरेट कर लो और इसमें जाके सेकेंड वाला ऑप्शन भी ऐड कर दो एट क्वेश्चन क्रिएट अ परसिस्टेंट वॉल्यूम विथ नेम दिस ऑन कैपेसिटी ऑफ टू जी बी एंड एक्सेस मोड ओनली रीड मोड रीड ओनली मेनी है इसमें ऑप्शन एंड टाइप ऑफ द वॉल्यूम इज होस्ट पाथ एंड इट्स लोकेटेड इन दिस पर्टिकुलर पाथ तो ये आ गया परसिस्टेंट वॉल्यूम टाइप देन ऐप ने टू टू जी आई रीड राइट मैनी एंड देन होस्ट पार इसके लिए अगर आप कहीं भी आपको प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन तो आपको कूबरनेटिस की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन का एक्सेस रहता है तो वहाँ जाके भी सर्च कर सकते हो उसकी भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेना कि किस की वर्ड के थ्रू पर्टिकुलर लिंक पर मुझे जाना है वहाँ से कॉपी पेस्ट करना है और वो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है क्वेश्चन नंबर नाइन मॉनिटर द लॉग्स ऑफ द पॉड फू एंड द एक्सट्रेट द लॉग फाइल लाइन करस्पेंडिंग टू फाइल नॉट फॉर्म राइट डैम टू दिस पर्टिकुलर फाइल तो यह है आ, इसने सीधा क्यूब कैटल गेट लॉक्स ग्रेप आ, फाइल नॉट फाउंड किया इसको एयरल मिल गई एंड देन इसको आप सीधा आपका आउटपुट आपने ले लिया इस पर्टिकुलर फाइल में दैट्स एट कम्प्लीट एक कूबरनेट यह क्वेश्चन भी आता है इन क्वेश्चन में मोस्टली आपको एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे जैसा मेरा एक्सपीरियंस था एट एक कूबरनेट इज वर्कर नोट नेम्ड दिस इज नॉट रेडी इन्वेस्टिगेट वाइज दिस इज द केस एंड उसको आपको अप लेके आना है तो एक नोट जो नॉट रेडी स्टेटस में उसको ट्रबल शूटिंग करनी है तो ये ट्रबल शूटिंग सेक्शन का आपको देखना है ये नोट नॉट रेडी है जैसे आप देख पा रहे हो कि नॉट रेडी स्टेटस में आ रहा है इसको डिस्क्राइब किया इंफॉर्मेशन निकाली क्या रीज़न हो सकता है देन इसके अंदर लॉग इन किया इन करने के बाद पता चले आपको कि ये इसका क्यूब क्यूबलेट एक्टिवेट नहीं है आपको सीधा जाके क्यूबलेट को इनेबल करना है रिस्टार्ट करना है स्टेटस देखोगे एक्टिव हो जाएगा और उसके बाद आप देखोगे तो एग्जिट कर एक बार एक्टिवेट कर दिया उसकी सर्विस एक्टिव हो गई देन उसके बाद आपको बाहर से जा देखोगे तो आपको ये रेडी स्टेट में आ जाएगा जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो तो इस तरह ये सारे क्वेश्चन हो गए मोस्टली ऐसे ही सारे क्वेश्चन हैं तो मैंने मोस्ट uh, इम्पॉर्टेंट जो टेन क्वेश्चन मुझे लगे आपके साथ शेयर करने चाहिए वो मैं आप, आपके साथ शेयर कर चुका हूँ और भी कोई डिफिकल्टीज आती है तो आप आ, अगर एग्ज़ाम में एक्सपीरियंस करते हो आप वो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो और एग्ज़ाम से रिलेटेड ये सारी इन्फॉर्मेशन ही चाहिए होगी आपको इसके अलावा आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको लगता है कुछ और भी चीज़ें आपको शेयर करनी चाहिए मेरे साथ तो आप शेयर कर सकते हो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी वीडियो पसंद आई तो एक ज़रूर लाइक करना मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय